नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तूरी प्याज वाली। उसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज और ये 3 तूरी मैंने ले ली हैं। अभी हम इनको धोकर छील कर काटेंगे। इस तरह हम तूरी और प्याज को छील लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसमें प्याज डाल देंगे और धीमी आंच पे हम इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको हम ढक्कन लगा के कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तूरी को भी हम इस तरह छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। थोड़ा प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई तूरी। नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी हल्दी। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। वापस से हम इसको ढक्कन लगा देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तब तक हम थोड़े से टमाटर को हम काट लेंगे। हमें 4 टमाटर लिए हैं छोटे छोटे। इनको इस तरह से जैसे तूरी छोटे छोटे पीस में काटी थी वैसे ही टमाटर भी काट लेंगे। एक हरी मिर्ची लेंगे, उसे भी हम बारीक काट लेंगे। धीरे 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 सॉफ्ट होने लगी है, पर अभी पूरी तरह पकी नहीं है। थोड़ा चला के फिर से इसको ढक के रख लेंगे। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद देखिए तूरी इस तरह सॉफ्ट हो गई है, प्याज भी सॉफ्ट हो गया है एकदम। की मात्रा काफ़ी सूख के कम हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर काट के रखे थे और हरी मिर्ची, इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें। लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और वापस हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से और इसका पानी भी सूख जाए थोड़ा। हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको इस तरह थोड़ा सा मसलते भी रहेंगे। पानी देखिए पूरी तरह इसका सूख गया है। अब ये करीब करीब तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिया की पत्ती के साथ। की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्विच ऑफ कर दिया है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी? आशा है अच्छी लगी होगी। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाइए, खाइए, लोगों को खिलाइए। कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।